आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि जो स्टीरॉयड क्रीम्स लगाने से साइड इफेक्ट्स हो गए हैं स्किन को, उनको रिवर्स कैसे करें। देखिए, स्टीरॉयड क्रीम्स हम अपने फेस पे या बाकी स्किन के ऊपर क्यों लगा लेते हैं? जब भी हम डर्मेटोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन से लगाते हैं, तब तो वो आपको बताएगा कि आपके राइट इंडिकेशन के लिए देगा, राइट टाइम पीरियड के लिए देगा, उससे आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले हैं। लेकिन स्टीरॉयड क्रीम्स जो है, हम अब्यूज बहुत कर लेते हैं। आप किसी भी लोकल केमिस्ट के पास जाएं, लोकल डॉक्टर के पास जाएं, सलोन में जाएं, ब्यूटी पार्लर वाली दीदी होती हैं इधर उधर, आपके फ्रेंड्स, हर कोई आपको जैसी स्किन का कोई रैश हो स्टीरॉयड क्रीम आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं और आप भी बिना सोचे समझे उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली जो गोरे होने की क्रीम्स होती हैं उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड्स होते हैं। तो आप प्लीज़ कोई भी गोरे होने की क्रीम अपने आप से बिना डॉक्टर की सलाह के मत इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज उसके अंदर स्टीरॉयड्स होते हैं। एक बार के लिए तो आपको एक या दो महीने के लिए तो गोरा कर देगा, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे आप और ज़्यादा काले हो जाएंगे, और अगर नहीं भी छोड़ेंगे, यूज़ करते रहेंगे, तब भी उसके साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ गोरे होने की क्रीम्स अपने आप से मत लगाइए, या फिर कोई और भी कोई भी स्किन का रैश होता है, आपको फंगस इन्फेक्शन, दांत की बीमारी होती है, अपने आप से बिना स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह से कोई भी क्रीम मत लगाइए, बिकॉज इन सारी क्रीम्स के अंदर स्टीरॉयड्स बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, जो धीरे धीरे साइड इफेक्ट्स दे देते हैं। किस तरीके के साइड इफेक्ट्स होते हैं आपको जब आप स्टीरॉयड क्रीम्स लगाते हैं? तब आप चाहे अगर काले हैं तो गोरे हो जाएंगे, आपको पिंपल्स हैं तो पिंपल्स चले जाएंगे, दाद है तो दाद चला जाएगा, लेकिन रोकते ही ये सारी चीज़ें और भयंकर रूप से वापस आएंगी। पिंपल्स और ज़्यादा आएंगे, जो निशान भी छोड़ जाएंगे, दाद की बीमारी भी इतने ज़्यादा भयंकर रूप से आएगी कि सही दवाइयों से भी फिर वो ठीक होने में बहुत टाइम लगाएगी। और अगर आप उसको लगाते रहेंगे तब आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स आने लग जाएंगे? धीरे धीरे या तो स्किन काली पड़ जाएगी, या फिर सफ़ेद पड़ जाएगी, या फिर पिंपल्स आने लग जाएंगे, इचिंग आने लग जाएगी। आप एक दिन के लिए अगर स्टीरॉयड क्रीम छोड़ देंगे तो आपको रेडनेस और इचिंग फील होगी। यानी कि स्टीरॉयड क्रीम्स एक अल्कोहल के, शराब के नशे की तरह है। जब तक आप उस अल्कोहल पी रहे हैं आप बड़े खुश फील करेंगे, लेकिन जैसे ही अल्कोहल बॉडी से निकलेगी आप और ज़्यादा डिप्रेस और ज़्यादा दुखी होने लगेंगे। ऐसे ही स्किन जो है, अगर आप स्टीरॉयड लगाते रहेंगे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन छोड़ते ही स्किन जो है एकदम रेड हो जाएगी, इचिंग होने लगेगी, पिंपल्स आने लगेंगे, या तो व्हाइट हो जाएगी या ब्लैक हो जाएगी, या फिर उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा बाल, आपके जिस जिस भी एरिया में लगाए हैं वहाँ पे ज़्यादा बाल आने लग जाएंगे। कई लोगों को तो स्किन इतनी पतली हो जाती है कि ब्लड वेसल्स नज़र आने लगते हैं और स्ट्रेच मार्क्स भी पड़ जाते हैं। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कंटिन्यूस स्टीरॉयड क्रीम लगाने से हो जाते हैं। अब अगर ये हो जाए तो इनका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो स्टीरॉयड क्रीम इमीडिएटली बंद कीजिए। बंद करते ही आपकी स्किन रिएक्ट करेगी, वो रेड हो जाएगी, आपको इचिंग बहुत ज़्यादा होगी। जैसे शराब छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा लत होती है ना कि और शराब पिए और बंदा इरिटेटेड फील करता है, ऐसे आपकी स्किन भी बंद करने पे इरिटेटेड फील करेगी। बट लेट इट बी, दो या तीन हफ्ते आपका ऐसा रहेगा, उसे रहने दीजिए। धीरे धीरे ये रेडनेस और इचिंग जो है, खुजली होना, ये आपका अपने आप बंद हो जाएगा। उन तीन हफ्ते स्टीरॉयड क्रीम छोड़ने के बाद किसी तरीके से वो रेडनेस और इचिंग को आप सह लीजिए। आपने उस टाइम पे सिर्फ एक अच्छा सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगाना है और कुछ नहीं करना। यानी कि रेडनेस और इचिंग की जब प्रॉब्लम होती है स्टीरॉयड क्रीम्स छोड़ने पे, तो उसके लिए आपने दो तीन हफ्ते लगेंगे सेटल होने के लिए, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना है, दैट्स इट। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है स्टीरॉयड क्रीम लगाने से? या तो आपके जो कलर बनाने वाले सेल्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, कालापन आ जाता है, या फिर वो डेड हो जाते हैं तो सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। तो यानी कि या तो ब्लैक पैचेस या वाइट पैचेस, दोनों के लिए आप प्लीज़ स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए। अगर ब्लैक पैचेस हैं तो स्किन स्पेशलिस्ट आपको स्किन लाइटनिंग क्रीम देगा जिसमें स्टीरॉयड्स नहीं है और सेफ हैं, और वाइट पैचेस के लिए भी स्पेसिफिक क्रीम आती है ताकि कलर्स जो हैं आपके वापस आ जाएं। तो वाइट या ब्लैक पैच होने पे डॉक्टर की, स्किन स्पेशलिस्ट की दी गई क्रीम्स की हुई इस्तेमाल करें। कई लोगों को जिनको दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती है स्किन पतली होने के कारण, ब्लड वेसल ज़्यादा नज़र आने लग जाएं, या स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाएं, या बाल ज़्यादा आ जाएं, इसमें भी एटलीस्ट 4 to 6 months का टाइम दीजिए। तो धीरे धीरे जो फेस पे एक्स्ट्रा बाल आए हैं स्टीरॉयड क्रीम लगाने से, काफ़ी हद तक तो वो खुद ही कम हो जाएंगे, लेकिन 4 से 6 महीने लगेंगे। जो ब्लड वेसल ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आने लगी हैं वो भी धीरे धीरे 4 से 6 महीने में काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। अदरवाइज जो रह जाता है 4 से 6 महीने के बाद, उन दोनों ट्रीटमेंट्स के लिए आपको लेजर ही कराना पड़ेगा, जो प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं और जो एक्स्ट्रा हेयर आ गए हैं फेस पे। लास्टली, अगर आपने अपने ग्रॉइंस पे या अंडर आर्म्स में स्टीरॉयड क्रीम लगाई और स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए हैं, देन यू आर गॉन। स्ट्रेच मार्क्स का कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, आपको उसके साथ ही रहना पड़ेगा। तो यानी कि स्टीरॉयड क्रीम, कोई भी स्किन की क्रीम, स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह के बिना अपने आप
केमिस्ट फ्रेंड या ब्यूटी पार्लर के कहने से मत लगाएं। कोई भी गोरे होने की क्रीम अपने आप से मत लगाएं, उनमें भी स्टीरॉयड होता है। सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह से ही स्पेसिफिक क्रीम्स लगाएं। और एक चीज जान लीजिए, दुनिया में कोई अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक आविष्कार नहीं हुआ है कि जिस कलर से आप पैदा हुए हैं उससे ज्यादा आपको कोई गोरा कर सके। जो आपका कलर जीन्स ने डिसाइड कर लिया, आप उतने ही रहेंगे। साल बीतने पर आप टैन हो जाते हैं, धूप की वजह से काले पड़ जाते हैं, वो टैनिंग हट सकती है, स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, लेकिन आपका रंग इंप्रूव नहीं हो सकता। तो प्लीज इन चक्करों में मत पड़िए। और जो सही सलाह है, डॉक्टर की सलाह से अपने स्टीरॉयड क्रीम्स के साइड इफेक्ट्स को उसको आप ठीक कर लीजिए। एक चीज लास्ट में बताना चाहूंगी, स्टीरॉयड क्रीम्स लगाना गलत है, मान लिया मतलब, लेकिन जब शॉर्ट टाइम के लिए स्पेसिफिक इंडिकेशन के लिए स्किन स्पेशलिस्ट आपको आपको स्टीरॉयड क्रीम दे रहा हो, तब उनको लगाने से मत घबराइए। देखिए, आप ठंड में मर रहे हैं और आपको कोई अल्कोहल दे देता है पीने के लिए, तो उस वक्त तो अच्छा है ना कि एकदम से बॉडी गर्म हो गई। अल्कोहल के साइड इफेक्ट कब स्टार्ट होंगे? जब आप हर रोज उसको पी रहे हैं, तब जाके लिवर खराब होगा ना एक दो साल बाद। ये थोड़ी ना कि आपने महीने में एक बार आपको बहुत ठंड लग रही थी, आपने अल्कोहल पी ली तो आपको लिवर खराब हो जाएगा, साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। इसी तरीके से जब डॉक्टर आपको स्टीरॉयड क्रीम लगाने को दे रहा हो स्पेसिफिक इंडिकेशन के लिए, सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तब मत घबराइए कि अरे डॉक्टर आप हमें स्टीरॉयड क्यों दे रहे हैं। स्टीरॉयड दवाई ही है, वो इसीलिए बनाई गई है बिकॉज उसका इफेक्ट है शॉर्ट टर्म में, राइट इंडिकेशन के लिए, डॉक्टर की सलाह में उसका साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो स्टीरॉयड क्रीम से घबराइए मत, लेकिन अपने आप से उसको मत इस्तेमाल कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए उसको मत इस्तेमाल कीजिए। आपका कोई भी स्किन एंड हेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाकर उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।